हमें निष्ठावान होना है। तो अब भी कौन कौन से बचे हैं अनर्थ, जिससे मैं मुक्त हो जाऊंगा तो मैं बन जाऊंगा निष्ठावान। तो उसी बात को यह पुनः दोहराया है, मस्ट बी इंपॉर्टेंट, इसलिए दोहराया जा रहा है। तो अनिश्चितता भजन क्रिया, अदोश्रद्धा क्या वेद, साधु संग, साधु क्या करते हैं, क्या करते हैं साधु, आशीर्वाद देते हैं। होमवर्क देते हैं साधु, क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं, भजन क्रिया। तो हम लोग भजन क्रिया शुरू कर देते हैं उनके आदेश उपदेश उपदेश के अनुसार। तो शुरुआत में हमसे जो भजन क्रिया होती है वो कैसी होती है, अनिष्ठिता भजन क्रिया। और भजन क्रिया के अंतर्गत बताएंगे आपको अनर्थ निवृत्ति, वैसे वे बताएंगे विधि बताएंगे और क्या बताएंगे, निषेध बताएंगे। और पूरे सभी सभी शास्त्रों में या शास्त्रों को विभाजन दो और दो विभागों में किया जा सकता है। एक में मिलेंगे आपको, एक में मिलेगी विधि और दूसरे में निषेध। डू दिस, यू कांट डू दिस, डू दिस। एतयोर एव किं करः, एतयोर मतलब दो के, तो अनर्थ निवृत्ति एक अलग से सोपान कहा गया है। लेकिन जब अनिश्चिता भजन क्रिया हम प्रारंभ करेंगे तो उस समय भी अनर्थ निवृत्ति पर कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे। साधु दोनों बताएंगे, आप भजन करो, विधि करो, कीर्तन करो, लेकिन हम नए हैं, कई बातों से आसक्त है, बद्ध है, कंडीशन सोल, पुरानी आदतें तो आसानी से छूटती नहीं। यस, ऐसा नियम सभी का अनुभव ऐसी है, यस, से गुजरना पड़ता है। तो दोनों बताएंगे, ये भजन करो, इनसे बचो, इनसे बचो, डू दिस। जय हरे कृष्णा, मोटी मोटी मोटा मोटी बात, चैंड हरे कृष्णा क्या हुआ, विधि हुई, ये भजन क्रिया, और चार नियमों का पालन करो, मांस भक्षण नहीं करना और पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और नशा पान नहीं करना, ये चार नियम। तो ये निषेध हुआ अनर्थ का, अनर्थ की लिस्ट में आ गए। तो भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, ये करो ये नहीं करना, ये विधि ये निषेध, तो ये करेंगे तो फिर ये करने के उपरांत भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कुछ अनर्थ तभी बच जाते हैं, इसलिए नष्टः प्रायेषु अभद्रेषु, नष्टः प्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु नष्टः, कुछ शेष
रह गए, बच गए कुछ अनर्थ, और उन बचे हुए अनर्थों से जब हम मुक्त होंगे तो फिर हम बन जाएंगे निष्ठावान बनेंगे। राधे श्री कृष्ण। पढ़ी रहे हो निष्ठा, इसकी परिभाषा कहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन शब्दों में करते हैं, नैश्चल्यम उत्पन्ना यश्यः इति। तो ऐसी भक्ति करे हम जिससे उत्पन्न हो नैश्चल्यता। चल चलायमान, मतलब ये चलायमान नहीं हो रहा, स्थिर है, स्थैर्य कहिए, व्यक्ति स्थिरता को प्राप्त किया, निष्ठा को प्राप्त किया। तो निष्ठिता भक्ति से, या निष्ठिता भक्ति मतलब भी नैश्चल्यम उत्पन्ना यशा इति। It means to have the quality of steadiness, naishalyam, non-movement, or non-wrong movement. ये नहीं कि movement नहीं होगी, ये नहीं कि हम लोग चलेंगे नहीं या डुलेंगे नहीं या हिलेंगे नहीं, लेकिन हर movement क्या होगी, सही होगी, कृष्ण भावना भावित होगी। भौतिक कार्यकलाप या मायावी कार्यकलाप ठप हो जाएंगे, स्पेशली जो पाप कृत्य इत्यादि जो है, अनर्थ जो है, उसके लिए प्रयास नहीं होगा, विचार भी नहीं होगा। शुरुआत कहाँ से होती है, वैसे विचारों से होती है। विचार कहां से आते हैं, वासनाएं विचारों को उत्पन्न करती है, वासना कहां से आती है, हमारे पूर्वज जन्म के, इसी जन्म के कुछ कर्म तो समाप्त हुआ, शेष क्या रहता है, वासना रहती है, इसका हम लोग बीज कहते हैं, पाप के बीज हम लोग बोते हैं, या पाप की वासना रह जाती है, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वही वासना, वही पाप के बीज हमको प्रेरित करते हैं, पहले सोचने के लिए। शुरुआत कहाँ से होती है, मन में शुरुआत होती है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ऐसा ये मन के कार्य है, फंक्शंस ऑफ द माइंड, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो वह शुरुआत होती है थिंकिंग से, तो ये थिंकिंग भी नहीं होगा, नैश्चल्यम नॉन मूवमेंट, स्टेडी, फिक्स्ड, माया के लिए मायावी विचारों विचारों की लहर या विचार भी उत्पन्न नहीं होंगे। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा,
तो पाप की वासना या पाप के बीज का जो स्टॉक है उसकी होगी राख, किसे? ज्ञानाग्नि, ज्ञान की जो अग्नि है, ज्ञान की अग्नि, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, या कर्म या कर्म का जो परिणाम है, बीज है। कर्म किया बच गया क्या? बीज, जो आगे के कर्म का बीज, तो कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण, कार्य कारण। तो वह ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् करोति तथा, तो वह I think it could be said, ऐसा सही भी है इसको कि ये श्रद्धा, हम लोग श्रद्धावान थे, आप बन गए या बनना चाहते हैं, कौन निष्ठावान बनना चाहते हैं, तो इन बिटवीन क्या क्या हुआ ताकि, या होना चाहिए ताकि हम निष्ठावान बनेंगे? साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो हुआ, तो हमने जो भक्ति की इसके अंतर्गत श्रणवतः स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, तो श्रवण कीर्तन अध्ययन पठन पाठन ये जो है, जो ज्ञान अर्जन किया हमने, ज्ञान, तो उस ज्ञान ने क्या किया? ज्ञानाग्नि, उस ज्ञान ने दिया ज्ञान, ज्ञान की अग्नि, अग्नि क्या देती है? अग्नि से एक तो प्रकाश मिलता है नंबर वन, टू दाहकता का दहन करने की शक्ति, तो ज्ञान से मिला प्रकाश, तमसोमा ज्योतिर्गमया, तो ज्ञान की ज्योति, तो फिर हम जहाँ भी जाएंगे हमको दिखाई देगा कृष्णा माया दिस दैट, बच के रहो, सावधान, गड्ढा है गड्ढा, पीछे हटो, यू आर लाइट। और साथ ही साथ उसको दहन करने की जो शक्ति है, तो ज्ञानाग्नि, तो साधु संग भजन क्रिया के अंतर्गत हमने ये ज्ञानार्जन किया, ज्ञानार्जन। और कैसा ज्ञानार्जन? में से भक्ति पूर्वक, टू कॉम्प्लीमेंट भक्ति, भक्ति को बढ़ाने के लिए। एक ज्ञानियों का भी ज्ञान होता है, ज्ञानियों का ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा वाला ज्ञान, या ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाला ज्ञान, या भगवान निराकार है, निर्गुण है, इत्यादि इत्यादि, ये ज्ञान, दिस इज ये ज्ञान ही है एक दृष्टि से, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान भक्ति। या जो ज्ञान, वैसे भक्ति से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी, ऐसा भागवत में कहा है, वासुदेवे भगवति भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम्। इस वचन में कहा है, ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट, का वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, जो व्यक्ति भक्ति करता है, किसकी भक्ति? वासुदेव, गणेशे वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति, वो भक्ति जनयति मतलब उत्पन्न करती है,
क्या उत्पन्न करती है? ज्ञानम च वैराग्यम, ज्ञानम च अद्वैत। वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न होते कहां से? भक्ति से उत्पन्न होते हैं। ज्ञान और वैराग्य भक्ति से उत्पन्न होते, भागवत में कहा, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति 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 आश्रु, मतलब क्विकली आश्रु जनयति आश्रु वैराग्यम ज्ञानम च यदयतुकम। और इस बात को हम वैसे भी जानते हैं, भक्ति देवी, भक्ति महारानी नाम की व्यक्ति है, भक्ति नाम की व्यक्ति है, भक्ति देवी है, इसके आप आराधना दर्शन फोटोग्राफी खींच सकते हो। भक्ति नाम की व्यक्ति है और उसके पुत्र है दो, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का वैराग्य, और उसकी एक नौकरानी भी है, एक दासी भी है, वो कौन है? मुक्ति है। भक्ति की नौकरानी दासी झाड़ू लगाती है, वहां झाड़ू पोछा लगाती है भक्ति देवी के प्रांगण में या घर में भवन में। तो भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, भक्ति से उत्पन्न ज्ञान और वैराग्य। तो हम भक्ति कर रहे हैं, कौन कौन सी भक्ति? यह सारी भक्ति है, साधु संग ये भी भक्ति है, भक्ति का अंग है, और उन्होंने सारी विधि विधान दिया, सारी भक्ति कर रहे, भजन क्रिया। तो ये भक्ति जब करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा, क्या प्राप्त होगा? एक तो ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा और वैराग्य प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त होगा तो ज्ञान क्या करेगा? जो पाप की वासना है, पाप के बीज है, उसको जलाएगा, उसको लगेगी आग। और फिर वैराग्य, वैराग्य उत्पन्न होगा, अनर्थों से मुक्ति। मतलब क्या? वैराग्य, वेरी गुड, वैराग्य, वी राग, राग मतलब क्या? अटैचमेंट, गुड। तो राग तो राग नाम का मार्ग भी है, आध्यात्मिक क्षेत्र में राग का बहुत प्रयोग होता है, राग रागानुगा, लेकिन उसी का प्रतिबिंब इस संसार में, उसकी छाया कहिए, उसको भी राग कहते। लेकिन और दोनों का अर्थ तो वही आसक्ति है, एक आसक्ति हुई सांसारिक मायावी आसक्ति और दूसरी है आध्यात्मिक दिव्य अलौकिक क्या? आसक्ति। आगे जो आगे का सोपान है, निष्ठा के बाद क्या? रुचि के बाद आसक्ति जो है, इन अनर्थों से मुक्ति मतलब वैराग्य है, वीराग मतलब भौतिक जो आकर्षण है, आसक्तियां है, लोभ लांछन या जो है, इससे मुक्त हो गए तो फिर निष्ठावान हो गए। और फिर अनासक्त और आसक्त एक ही साथ होते हैं, ऐसा भागवत
मन है। जब हम अनासक्त होंगे, अनासक्त संसार से, अनासक्त और भगवान से, कृष्ण से आसक्त, जो निष्ठा का जो सोपान है, ये कहा जा सकता है, ये जो श्रद्धा से प्रेम तक का जो सीढ़ी है, सोपान है, निष्ठा इज लाइक इन द मिडल, हाफ वे, मिड वे। तो उसके एक डाउन साइड कहो, नीचे ये सब आसक्ति, भौतिक आसक्ति, तो भौतिक आसक्ति के स्थान पर अनासक्ति, संसार में अनासक्ति को वैराग्य कहते हैं। ये उत्पन्न होते ही, वैराग्य उत्पन्न होते ही दिव्य अलौकिक आसक्ति उत्पन्न होगी। आप समझ रहे? अनासक्त हो गए तो आसक्त हो गए, दिव्य आसक्ति। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये आसक्ति कौन सी आसक्ति की बात हो रही है, कौन सी अनासक्ति। तो संसार से अनासक्ति के साथ क्या होगा? आध्यात्मिक आसक्ति, आध्यात्मिक आसक्ति। मायावी जगत में अनासक्ति को ही क्या कहेंगे? वैराग्य कहेंगे। मतलब ये अनर्थ निवृत्ति हुई, उसी से हम निष्ठावान हो गए। तो निष्ठावान हो गए तो फिर अभी रुचि और आसक्ति भाव प्रेम की ओर अब हम अग्रसर हो सकते हैं। जो बंधन थे, बांध, माया ने ऐसे बांध दिया ना, न तो हम तो हिल सकते हैं, न डूल सकते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में हम प्रगति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसका नापदंड क्या है, कैसे किसको कैसे नापते इसको? अलग अलग उत्तर स्वाभाविक है, या वैराग्य पर। हम संसार से कितने अनासक्त है, इससे नापा तोला जाएगा हमारी आध्यात्मिक प्रगति या आध्यात्मिक स्तर। हम कितने मुक्त है, हाउ मच फ्री वी आर, कितना वैराग्य, कितने अनासक्त। तो निष्ठावान होने के पहले ये सब, ये वैराग्य, अनर्थ निवृत्ति। तो फिर निष्ठावान तो अभी बचा हुआ है, नष्टा प्रायेषु भद्रेषु है। तो कौन कौन से अनर्थ अभी बचे हैं, उसकी सूची आ रही है। अनिश्चिता भक्ति के पांच प्रकार के अनर्थ। पहले अनर्थ तो सारा तो ढेर के ढेर पड़े थे यार, अनर्थ के अनर्थ सागर। तो उनको हटाने का, मिटाने का प्रयास, एक साधना, एक सोपान रहा। वो प्रयासों के उपरांत भी कुछ चालाक चोर या रियल चोर या रियल अनर्थ, जिनको हम पकड़ के उनकी जान नहीं ले पाए, ऐसे ऐसे कौन है? तो ये है नंबर वन, जिसका प्रारंभ में स्मरण किया था।
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमको एक स्मॉल लिस्ट सूची दे रहे हैं, पांच संख्या पांच है, उसमें से पहला है लय कहा है। कीर्तन श्रवण स्मरणेशु निद्रा उद्गम, तो कर रहे हैं श्रवण कीर्तन स्मरण करना है, लेकिन कौन सताती है? निद्रा सताती, रात दिन। तो नोट दिस, निद्रा कहो आलस कहो लेजीनेस, इग्नोरेंस है ये, इग्नोर दे, फ्रॉम इग्नोर वर्ड बनता है इग्नोरेंस, इग्नोर, यू जस्ट इग्नोर मी, नो आई वॉज जस्ट देयर, आई वॉज देयर, यू जस्ट इग्नोर मी, ऐसे कभी आप सुनते हो? मैं वही तो था, you just ignored me. I was there. You know क्या किया? He ignored me. तो भगवान तो है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? They just ignore him. उनको टालते हैं, नहीं मान, नहीं है मानते, सो जाते हैं। तो ये निद्रा बड़ा ही खतरनाक सामने सुनाया, कहीं पढ़ा भी तो था। निद्रा देवी कह रहे हमको भी कोई स्थान दीजिए ना, कोई स्थान मिलना चाहिए, शायद बताया हरे कृष्ण वालों मंदिर में अपने मंगल आरती पहुंच जाना, छोली लेके बैठते हैं तब वो काफी ग्राहक मिल जाएंगे, वो है भागवत कक्षा में ओम नमो भगवते। सो कीर्तन श्रवण स्मरणेषु निद्रा उद्गमः, टू स्लीप ड्यूरिंग चैंटिंग हियरिंग, ड्यूरिंग कहो या जस्ट कीप स्लीपिंग, जगह ही नहीं। कोई कहता है यू नो आई डोंट वांट टू कमिट ऑफेंस, मैं जप कर रहा हूँ, श्रवण कीर्तन हो रहा है और फिर निद्रा आएगी तो अपराध होगा ना, इसीलिए क्या करता हूँ? सोते रहना, अपराध तो नहीं होगा, जग गया और फिर जप कर रहा हूँ निद्रा में तो। हरी हरी। Okay, the next one, vikshepa. This chapter is apparent. Onge shayad.